स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रोबस्ट बाजार पे। आज हम डिवीज लेबोरेटरी को कवर करने वाले हैं। डिवीज लेबोरेटरी में आज के दिन काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने मिली, 1.34% का मूवमेंट, 47 पॉइंट अपसाइड। अब हम इसके अगर 5 दिन की रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट इसका जस्ट रिवर्स है, 1.20% डाउन साइड दी है और 44 पॉइंट नीचे। अब अगर हम इसके पिछले एक महीने के रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.14%, 40 पॉइंट अपसाइड। लेकिन अगर हम इसके पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो 18.5% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 834 पॉइंट नीचे आ चुका है। अब हम इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि डिवीज लैब का जो 52 वीक लो है वो है ऑलमोस्ट 3365 के आसपास, इसका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई 5425। तो इट मीन स्टॉक हमें काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी अवेलेबल है और काफ़ी समय से ये स्टॉक एक साइडवेज और रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। इस स्टॉक में कहाँ क्या मोमेंटम निकलने वाली है, हम उसके बारे में बात करते हैं चार्ट के ऊपर। अब डिवीज लैब के अगर चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई महीने में ये साइडवेज में था, उसके बाद जून महीने में साइडवेज में था, फिर जुलाई महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और काफ़ी अच्छी मोमेंटम बनाने की तैयारी बना रहा था, लेकिन वहाँ से मोमेंटम लॉस्ट हुआ और स्टॉक धड़ाम से गिर पड़ा। अब इस स्टॉक में एक सॉलिड बेस बन रहा है, जिस सॉलिड बेस के बारे में बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक काफ़ी समय से साइडवेज की मोमेंटम चालू है और यहाँ से अपसाइड बनाने के बाद फिर यहाँ साइडवेज बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अपसाइड बनने की तैयारी यहाँ पर बन रही है और इस स्टॉक में एक मेजर जो सॉलिड बेस बना वो है 356160 के आसपास। इस स्टॉक में हमारा सबसे पहला टारगेट बनेगा 3709 का, जो उसका एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर 3709 ब्रेकआउट होता है तो इट मीन स्टॉक में 3962 का हमें सेकेंड टारगेट देखने मिल सकता है इन दी शॉर्ट टाइम पीरियड। और ये स्टॉक में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लार्ज कैप कंपनी है, तो उसको आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टॉक यहाँ इन लेवलों से एक अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है, अगर स्टॉक थोड़ा बहुत फिसलता भी है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है वो 3466 के आसपास। तो ये स्टॉक में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है, 100-150-200 पॉइंट नीचे गिरावट भी आती है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले भी यहाँ पे इसमें सपोर्ट लिया था और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड बन रही है। तो नेचुरल है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बेटर स्टॉक नज़र आ रहा है मुझे। करंट स्तरों से ख़रीदा जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि लार्ज कैप कंपनी है, 94,870 का इसका मार्केट कैप है, तो उस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है फिलहाल। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। थैंक यू सो मच।